सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं हूं उमेश और आप देख रहे हो मेरे जैसे व्लॉग। सो गाइस, आज तुम्हारी 20 मई 2022 और सुबह के बज रहे हैं ठीक 10। तो गाइस 10 बज रहे हैं और हम लोग आए हुए हैं धूनी में। यहां पे जो मंदिर है इसको धूनी कहते हैं और इधर जो है आपकी आपको पता ही है, जैसे ये माता का मंदिर है और ये हनुमान जी का और उसके वहाँ पे थूना है और ये सारे बच्चे वगैरह आए हुए हैं। तो जो कुछ लोग तो गए हुए हैं शाही देवी एक मंदिर है वहाँ पे गए हुए हैं, तो हम तो कल जाएंगे वहाँ पे। मतलब बुआ और भी आने वाले मेरे, वो सब लोग जाएंगे। पता नहीं आँख में कुछ घुस गया, एक मिनट गई। तो फिर हम लोग सब तो वहाँ जाएंगे, कल परसों जाएंगे वहाँ पर, कल जाएंगे और फिर परसों तो शादी है फिर। तो अभी फ़िलहाल तो हमारा यही प्लान है, आज भूल भुलैया आने वाली है। तो थोड़ी देर में अभी भैया का फ़ोन जो है चार्ज लगा के आए, फिर उसमें भूल भुलैया देखेंगे पूरी। 20 मई है ना आज, हाँ आज ही आएगी शायद वो, जब तक आ जाएगी फिर देख लेंगे। तब तक यहीं पर आराम से आराम करते हैं क्योंकि घर पर तो गर्मी सी हो जाती है और थोड़ी सी भीड़ भाड़ भी है, तो यहाँ पे आराम से शांति में। और ये बच्चे अपना घंटियाँ बजाने में व्यस्त हैं, देखो कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है। यहाँ से व्यू देखो गाइस, क्या मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से, ये देखिए गाइस। और ये गेम में व्यस्त हो गए हैं। ऐसे फिलहाल अभी बजे सुबह के ठीक 6 और हम लोग निकल चुके हैं एक नई डेस्टिनेशन पर जिसका नाम है खौड़ी। तो इनका घर है वहाँ पर पुराना, मतलब गाँव था इनका, तो ये बहुत सालों से गए नहीं वहाँ पे। तो हमने परसों देखा था कि यहाँ पे है, इनको अपना घर याद आ गया था देखने में, तो इसलिए हमने सोचा कि जाके आते हैं। तो चलते फिलहाल वहाँ पे, और मौसम तो एकदम मस्त है, ये देखिए एकदम बढ़िया मौसम है। और वो भैया पता नहीं कहाँ गए जो हमें लेके आए थे, उनका पता ही नहीं है यहीं पर। बाकी ये रास्ते में हम पहले आए हुए थे इसलिए हमें थोड़ा सा याद ही था, इसलिए हम अकेले अकेले आ रहे। वो आगे वहाँ से चलिए गए। दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि सुबह सुबह एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है मेरे को। आपको शायद याद होगा आप में से कुछ लोगों को, जब मैं आने वाला था उससे एक दिन पहले मैं अपना सिम लेके आया था एक, और वो अभी सुबह सुबह एक्टिवेट हुआ है। तो मजा आ गया, अभी जस्ट यहीं पर रस्ते में वो हुआ था, एक्टिवेट हो गया था। तो अब मेरे एक महीने का रिचार्ज पड़ा रहेगा, मेरे को वाईफाई की ज़रूरत नहीं किसी की, तो मैं आराम से वीडियो अपलोड वगैरह कर सकता हूँ और जो काम वगैरह वो भी कर सकता हूँ। तो फिलहाल हम पहुँचने वाले हैं तलखौड़ी वगैरह जो भी एक गाँव का नाम है, तो चलिए वहीं पर जाके दिखा। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए तल्ला खौड़ी तिवाड़ी खोला, ये रहा ये गांव। तो चलते हैं फटाफट, ये लोग चले। अरे मेरे को रास्ता नहीं पता, भूल जाऊंगा, मेरे को डर लगता है। सो गाइस, ये रहा गांव, ऐसा कुछ ऊपर से कुछ लोग भी हैं। तो चलते हैं अभी यहाँ पर फटाफट। गाइस, इसके हाथ में कहाँ पे लगा, पैर में लग गया सिसुण, और इतनी ज़्यादा जलन हो रही है इसको, अब क्या बताएं। दिखा तो सो गाइस, घर तो मिल चुका है और ये मैं पंछी कितना मस्त बोल रहा है। सो गाइस, हम लोग घर वगैरह तो घूम लिए और नीचे एक और गांव है, पता नहीं इसी गांव का हिस्सा है। बाकी यहाँ से भी व्यू एकदम मस्त आता है। ये देखिए इसका मस्त प्यारा व्यू है। सो गाइस, आज यहाँ पे आज भी पुराने ज़माने की तरह बल्द से वो होती है, क्या कहते हैं, खेती। देख सकते हैं आप लोग कितना मस्त लग रहा है। सो गाइस, यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है जिसमें इतने सारे घंटे चढ़ा रखी हैं। अभी चलते हैं यहाँ से भी आके को और ढूंढते मंदिर को ही। ये देखिए गाइस, यहाँ पे भी लोग क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ पे भी बना रखी इन्होंने पिच अपनी, बढ़िया है वैसे, ठीक है। घूमाया खुश हो अब, बढ़िया। तो चलते हैं फिलहाल, अभी तो बच चुके हैं 7:30 हो चुके हैं, 1.5 घंटा हो गया हमें। तो भैया भी पता नहीं कहीं बैठे होंगे किसी पेड़ पुड़ पे या कहीं पे, चलेंगे फिर उनके साथ। वो बैठ के कहीं पर कहते हैं मैं नहीं जा रहा, मैं से चला नहीं जा रहा। तो चलते फिर हम ही लोग। सो गाइस, हम रास्ते में आ रहे हैं और यहाँ पर छोटा सा ये हमें पानी बस इकट्ठा हो रखा है इस जगह में, और कितना क्लीन पानी आप देख सकते हैं। इसके अंदर मैं कह नहीं सकता क्या है, ये मछलियाँ हैं या मेंढक के बच्चे हैं या किसी और चीज़ के। वो भैया से पूछ लूँगा मैं, किसी को बताऊँगी। तो बाकी वहाँ कहीं से ऊपर से पानी आ रहा है और मछलियाँ तो एकदम मस्त मछलियाँ हैं, जो भी है हाथ तो लगा पर ऊपर से मज़ा आ रहा है। देखिए हाँ, एकदम साफ ठंडा। चलो सारे जो थे मछलियाँ कुछ नहीं थी, मेंढक के बच्चे थे, हाथ में मैंने हाथ डाल दिया उसके अंदर। चलो आगे जाके कहीं पर धो लेंगे, ऐसे कुछ नहीं था, साफ आई था। सो गाइस, यहाँ पे देखिए कितना बड़ा पेड़ गिर गया ऊपर से, और इधर करा हुआ है वो तो बच गया, जिसके ऊपर गिरता ना गया था फिर वो। अभी इनकी बुरी तरह से वाट लगी हुई है क्योंकि आज आ गया इनका रिजल्ट और अभी नहीं पता चला है, तो अभी देखते हैं फिर क्या हुआ रिजल्ट में। बाकी वाट तो पूरी तरह लगी हुई है ना। मुझे शक्ल देखो लौंडे की कैसी हो गई है, ऐसे खेलते लौंडे की शक्ल देखो आप।
अरे नहीं आया रिजल्ट, नहीं आया, वही फालतू में कैसे इनको डरा दिया, इनके दिल में धक धक हो गई थी, 72 बार की जगह 172 बार धकने लग गया। सो गाइस फिलहाल भी फ्रूट से पीते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब प्यास से लग रही थी, कुछ मिठाई पानी पुनी तो यही इसी को पी लेते हैं, चलते वैसे मस्त है, मज़ा आ रहा है। आज एक बात समझ में आई कि किसी के जज्बातों के साथ नहीं खेलना चाहिए, भैया को हार्ट अटैक आने वाला था आज इनके रिजल्ट के चक्कर में। अगर मेरे को कुछ हो जाता तो कौन हिमाचल बोर्ड लेता है भाई, जिसने भी करा भाई ऐसा मत करा करो यार, किसी के साथ जज्बातों से नहीं खेलना चाहिए, बेचारे भैया अभी अभी हार्ट अटैक से होते होते कुछ बचे हैं, टेंशन डाल दी, हाँ टेंशन डाल दी ज़्यादा, ऐसा मत करो यार। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ये सही है जो ये पत्थर है, तो यहाँ पे हम लोग सोएंगे, इसे सोते यार यहाँ पे मस्त आराम से सो जाएंगे, 3-4 जने भी आ जाएंगे। फिर हम यहाँ पे आराम से सो गए हैं, झाड़ू झूड़ू मार के इसके ऊपर, थोड़ा सा गंदा तो वैसे वाइट है यार, कभी गंदा ना हो जाए, चलो कोई नहीं। ओ यार एक पत्ता ले आओ भाई, सिर के नीचे रख लूँगा। ओए कहाँ जा रहे थे नानू, इधर आ इधर आ, बाहर नहीं जाना, इधर आ, सांप है वहाँ पे, हाँ इधर आ इधर। सो गाइस फिर भी हम आए बकरे चराने के लिए यहाँ पे, हुर आ, ये देखिए इसकी कितनी सारी बकरे हैं यहाँ पे भी हैं और नीचे भी गई हुई हैं, बकरे चराने में अलग ही मज़ा है, गाय यहाँ पे है नहीं तो बकरे ही चराओ आराम से, चलो हुर। ये रही गाइस हमारी सारी बकरियाँ, तो अभी यहाँ पे चलने देते हैं और हम आराम से यहाँ पे बैठते हैं और बनाते हैं फिर वीडियो। हाँ तो हेलो गाइस तो बोल देने, हेलो गाइस बोल, मेरा नाम, तेरा नाम क्या बता दे। मैं, मेरा नाम तन्नू है। मेरे को जानते तू? हाँ। कौन हूँ मैं? उमेश भैया। उमेश भैया, पहले दिन तूने मेरे को पहचाना क्यों नहीं था? हुँ? पहचाना क्यों था तूने मेरे को? उस दिन मैंने मास्क नहीं पहना था इसलिए मेरे को सच्ची में पहचान नहीं पाया था, मैं सोच रहा मजाक कर रहा पर सच्ची में नहीं पहचाना था, डर रहा था। तो आप पहचान गया है ना? हाँ ये देखो, आ इधर आ। राजा गाइज अपना सही है, आराम से अभी सारा दिन यहाँ पे बैठे रहो और बकरियाँ वगैरह जो चरानी चराओ, उसके बाद 2 बज जाएंगे, खाना पीना खाने फिर घर जाओ और फिर सो जाओ, मतलब सारा दिन कोई काम नहीं, आराम से ठंडे ठंडे पहाड़ों में आराम से हवा खाते खाते, देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा मतलब अलग ही है नज़ारा। अगर ना गाइज यहाँ पे इतने ज़्यादा बस ये थोड़ा सा वो है कि थोड़ा जो मतलब बुजुर्ग आदमी है या जिनसे चला फिर अच्छी तरह से उन्हें चढ़ा चढ़ा नहीं जाता, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम की है, बाकी यहाँ पे सारा कुछ अच्छा है, एकदम स्वर्ग समान है, मज़ा आ जाता है यहाँ पे। अभी तो फिलहाल बस मज़ा आ रहा है, नींद आने वाली थी पर यहाँ पे आके नींद भी नहीं आ रही, अब अच्छा लग रहा है, मतलब शांति सी मिल रही है, कोई नहीं है, थोड़ी बहुत चिड़ियाँ चहचहा रही है, बकरियाँ मैं बस आराम से मौज मार रहे हैं और मतलब दुनियादारी से दूर, टेंशन वेंशन कुछ नहीं, आराम से यहाँ पे बैठो, मज़ा आ रहा है। मैं कहूँगा आप भी एक बार ना कभी पहाड़ों पे ज़रूर जाना, बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा, जो शहरों में रहते हैं बाकी तो जो पहाड़ के हैं वो तो बस उनका तो क्या ही कहना, पर एक बार ज़रूर रहना, कम से कम एक दिन, एक दो दिन से कुछ नहीं होता, कम से कम 10 दिन तो आपको रहना ही पड़ेगा, तब जाके कुछ मज़े से आएंगे, तो रहना ज़रूर गाइस, याद रखना। सो गाइस हम लोग रास्ता भूल गए थे और वो पता नहीं कहाँ से ऊपर से चढ़ के फिर आए मैं और ये, क्या यार नीरज तू स्कूल चला गया था, हम रास्ता ही भूल गए थे यार, पता है इसको कहाँ, इसे पूछ कहाँ से आए हम, हाँ कितने कितने खेत टाप के आए हम, आगे तुम लोग स्कूल से, ये ले क्या लेके गए रहे तू, ओ बदान केले बाजार से, तो आज तो हमारे लंच किसी और के घर, मतलब मेरी दूसरी नानी के घर पे है, बड़ी नानी के घर पे, तो वहीं पे जा रहे सब लोग वहीं पे, हम लोग बकरियाँ वगैरह चला के हम तो रास्ता ही भूल गए थे और अब चलते फटाफट, कभी यहाँ पे भी ना वो लग जाए, चलिए ये रहा नीचे घर, चलो हाँ बैठो बैठो यहाँ पे गाइस, फिर आज प्रोग्राम खा पी के ये लोग तो यहाँ पे बैठे हुए, हम यहाँ बैठेंगे, हमारी मौसी देगी हमें खाना, है मौसी कहाँ की मौसी, उमेश भैया की जेब में बैठ जा तू, खा पी के हम लोग निकल चुके दोबारा घर की ओर, और ऊपर जो बड़े लोग हैं वो आराम से अपना ताश तूश खेल रहे हैं, देखिए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो गाइस फिलहाल ये 3:30 और हमें यहाँ पे आए हो गया 2 घंटे, तो अभी मौसी वगैरह जा चुके हैं और हम अपने ले आए हैं एक स्लाइस और एक चॉकलेट, ज़्यादा बजट नहीं है ना इसलिए एक एक से काम चला रहे हैं, तो फटाफट खाते हैं और फिर से सो जाएंगे यार, क्या करें कुछ करने का मन नहीं कर रहा ना, लाइट आ रही है, चार्जर वगैरह सारा कुछ जो जो था सब हमने यहीं पे ला रखे हैं,
पर एक बात है, यहाँ का मौसम बड़ा मस्त है, मतलब ऐसा नहीं है कि धूप आएगी तो तुम सो नहीं सकते चैन से, बहुत सारे पेड़ हैं, कहीं भी सो जाओ। और अभी इसमें है हमारा दया से चार्जर, और अब इसे ही कर लेंगे यार, चार्जर हैं, तीन पोर्ट तो है इसमें, तो देखते हैं फिर। चले तो गाइस, फिर आज हम लोग बढ़ा रहे हैं अपने इंस्टाग्राम के सब्सक्राइबर, जितने लोग हैं सारे लोग फॉलो कर दो। इंस्टाग्राम पे क्या नाम है मेरा? हाँ, उमेश जोशी के व्लॉग्स ऑफिशियल। और आपका? मेरा? मेरे उसमें से लेना, पता नहीं मेरे उसमें से ले लेना, आई डोंट नो। तो अभी हम लोग खेल खुल के आ चुके हैं, बैट तो हाथ में मिला ही नहीं यार, जो मर्जी हो गया। अब यहाँ पे आज हम शायद आखिरी, हाँ आज हम आखिरी दिन है, कल फिर हमें जाना है यहाँ से। पहले तो हम मंदिर जाएंगे बहुत ज़्यादा, शाही देवी और चिता मंदिर, यहाँ बहुत ज़्यादा मंदिर, वहाँ जाना है। और अपने गाँव भी जाना है जिसका नाम है दिलकोट, तो फिर चलेंगे वहाँ पे बुआ और के साथ, बुआ और भी आएंगी हमारी, तो उधर से चलेंगे। अभी देखते हैं फिर क्या होता है, बाकी आप देख ही सकते हैं। अभी बारिश होके हटी थी तो मौसम तो एकदम साफ हो गया है। अरे फ्लैश क्यों ऑन कर दी मैंने, चलो कोई बात नहीं। सो गाइस, फिर ये हमारे ताऊ जी हैं और प्रोफेशनल शेफ है, आज हमारे लिए बना रहे हैं। क्या बनो सर ताऊ जी? ओ ताऊ जी, सोया मटर, सोयाबीन और आलू, आलू आए हाय, और भिंडी बना दी है। वाह, गाइस ये देखो कितना बड़ा है, ये मकड़ा है, मकड़ा है चाहे मकड़ी है, देख स्टाइल देखो आप इसका, लेकिन है बड़ा, हाँ काफी इतना बड़ा। चलो ठीक है भाई, चलो ठीक है, चलो चलते हैं। थोड़े घी डाल दिए, अब बने समोसा है, नून डाल दिए, डाल दिए यार, नून कर दिए, क्यों किधर है वो, डाल अच्छा है नहीं वो सब चीज के मैं लगा दे वो आदमी, मान लो मैं वो हाथ में जड़ी सब, हां जड़ी छोड़ दे पकड़, ये होता है ना प्रोफेशनल शेफ वाला काम। एक तो आए है, वाह जय हो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति हो गया, दिल वाह खतरनाक, मजा आ गया। तो गाइस, फिर फिलहाल हम लोग पार्टी वगैरह खा खू के भी आ चुके हैं नीचे से ऊपर, और थोड़ा बहुत लोग जो नाच रहे थे और कीर्तन वगैरह किए इन्होंने, तो फिर आ गए हैं। तो आई होप कि आपको आजकल बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और आज हम यहाँ पे आखिरी दिन है, कल हमें जाना है यहाँ से, तीन दो मंदिर जाएंगे और एक अपने गाँव जाएंगे। हम गाँव तो मैं बहुत सारे बार जाऊँगा यार, गाँव ज़्यादा वो है, मंदिर भी जाएंगे, तो फिर यार कल भी देख लेना यार आप लोग व्लॉग। और हाँ, तो फिर अब हम यहाँ पे बारात में आएंगे, मतलब अपने भैया की बारात में, यहाँ पे जो जिनकी शादी है, मतलब जो लड़की है वो यहीं पे रहते हैं, मतलब मेरी भाभी और भैया की आने वाले हैं, भैया आ जाएंगे अब कल, 23 तारीख को उनकी शादी है, तो फिर देखते हैं। फिर आई होप कि आपको आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।